कल धनबाद में पीएम नरेंद्र मोदी थे, ऐसे में आपने देखा था कि किस तरह से वहां पर कार्यकर्ताओं का और आम लोगों की भीड़ वहां पर जुटी थी। लाखों की तादाद में लोग पीएम नरेंद्र मोदी को देखने और उन्हें सुनने आए थे। अब हम आपको सीधा धनबाद लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मदन मौजूद हैं और वहां की जनता, जो धनबाद की जनता है, उनसे जानेंगे हमारे संवाददाता मदन कि पीएम मोदी के जाने के बाद वो किस तरह से देखते हैं, सोच रहे हैं, पीएम मोदी के भाषण को उन्होंने सुना है और लोकसभा चुनाव में वो किस ओर जाएंगे। पीएम एक बार फिर से हैट्रिक दिलाएंगे बीजेपी को या फिर वो कुछ बदलाव चाहते हैं। मदन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन धनबाद हुआ, यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानों पर लोगों को कितना भरोसा हुआ और धनबाद के लोगों का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए हम आज आ पहुंचे हैं धनबाद के बैंक मोर चौराहे पर। ये देखिए बैंक मोर चौराहा है, यहाँ काफ़ी व्यस्त ये इलाका है, चारों तरफ जो ये सड़क जाती है, ऐसे में लोगों का आवाजाही जो है वो काफ़ी होता है। ऐसे में हम प्रधानमंत्री के दौरे के बाद लोगों का क्या सोचना है, लोग इस बार किस विषय को देखते हुए वोट करेंगे, ये जानने और समझने के लिए पहुँचे। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम मोहम्मद इशाक। कल प्रधानमंत्री जी आए थे आपके जा रहे हैं। में पकड़ो, क्या कुछ सौगातें मिली है और उनके बातों को सुनकर कैसा लगा? तो कुछ सुन नहीं पाए, आप नहीं सुन पाए ना। लेकिन इस बार क्या एक बार फिर से मोदी जी या फिर कोई विकल्प है? ऐसे कह सकता हूँ, दोनों तो बराबर में चल रहे हैं। काम काज उनका कैसा दिखता है, कोई बदलाव हुआ? दस साल में क्या काम किए, कुछ किए क्या, चीज किए नहीं? तो यही आपसे जानना चाहते हैं, आपके शहर में क्या विकास होना था जो नहीं हुआ और क्या बदलाव चाहते हैं? जितना बदलाव था कि मैंने आदमी लोग को नौकरी मिले, ये सब मिले, तो सब मिला भी नहीं। नहीं मिला कुछ भी? कहाँ, किसको मिला? धनबाद सिंदरी कारखाना जो खुला, उससे कुछ लाभ मिलेगा? केंद्रीय कारखाना यहाँ सिंदरी मिलेगा क्या? उसमें आदमी भर्ती होगा और क्या। कल मोदी जी आए थे, कुछ सुने थे उनकी बातों को? मोदी जी के बातों को तो मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं इतना जी कहूँगा कि मोदी जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, गरीबों के लिए शुभचिंतक हैं और हमेशा रहेंगे मोदी जी। एक बार फिर से मोदी जी ही चाहिए या फिर बदलाव चाहते हैं? हमको तो मोदी ही चाहिए। क्यों मोदी ही चाहिए? मोदी जी का कौन ऐसा काम है जो सबसे ज़्यादा? बहुत अच्छा काम है, हम लोग को आवास दिया, रहने को घर दिया, पानी दिया, बिजली दिया। हालांकि काम में जो भी लड़का दौड़ में निकलेगा वही लड़का जीत सकता है, वो घुसखोरी बंद हो गया, लूट परेसी सब कम हो गया, इस कारण हमको मोदी ही चाहिए। युवा चाय दुकानदार, कल मोदी जी आए थे आपके शहर में, क्या कुछ सुने उनकी बातों को, कितना भरोसा है उनकी बातों? मैंने आज़ादी के बाद से यही देखा, जो सरकार आई चलाई और थी शासन परतंत्र पर कोई ध्यान नहीं है, किसी तरह की घटना घट जाती है उसका अंजाम, और गरीबों को भलाई करना चाहिए, गरीबों को पहला नंबर कि उसके अब आधा किलो चावल दे दिए, एक किलो चावल दे दिए, उससे कोई समाधान नहीं है। उसके बच्चों को पढ़ाई के लिए आप सीट रिजर्वेशन कर दिए, बच्चा उसका पढ़ाई नहीं तो वैकेंसी रह जाता है। क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ, आप चाहते हैं कि मोदी जी वो करें? मोदी जी यही करें कि सबका बोलते हैं विकास, सब देश का विकास सबका साथ, तो सवाल है कि आप देश का विकास, कोई चीज़ अगर गलत होता है उसे रोके। क्या गलत हुआ वही तो जानना चाहते हैं जो आपको लगता है गलत। जैसे जियो कंपनी अपना अनुसार अपना रेट बढ़ा देता है, नर्सिंग होम है, अब एक फिक्स होना चाहिए गरीबों के लिए कि सबको उचित एक्सरे चाहे कुछ भी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। धनबाद में कौन सी ऐसी समस्या है जो अब तक समाधान नहीं हुआ जो होना चाहिए? धनबाद में तो बहुत तरह की समस्या है, जैसे मेरे ही बेटे के साथ यहाँ पर आपको पुलिस तंत्र है, सीसी कैमरा लगा हुआ है, केस किए थाना कुछ नहीं कर रहा है। और साथ साथ दुकानदार हैं, युवा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कल मोदी जी आए थे आपके शहर में, सुने थे मोदी? हम नहीं थे सर, यहाँ नहीं थे। मोदी जी के कामकाज को किस रूप में देखते हैं? कामकाज तो बढ़िया करते हैं। अच्छा, क्या चाय बनाते हैं आप? हाँ सर। कैसा चलता है चाय?
ठीक चल रहा है। कुल्हड़ का डिमांड बढ़ गया? हाँ, कुल्हड़ का आज के जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से कुल्हड़। यस, ये बताइएगा, मोदी जी भी पहले चाय बेचा करते थे, तो लगता है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता? ग्राहक लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी चाय बेच के बड़े आदमी बन गए, तुम भी बड़े आदमी बन जाओगे। मतलब ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये काम करके भी आदमी आगे बढ़ सकता है? हाँ हाँ, क्या है नहीं। क्या करते हैं आप? यही चाय का दुकान है। पढ़ाई कहाँ तक की? डिप्लोमा किए हैं सर। डिप्लोमा किए, तो जॉब नहीं करने का सोच? जॉब करने कोशिश किए हैं पर सफलता नहीं मिली सर। क्या लगता है, एक बार फिर से मोदी जी ही चाहिए या फिर बदलाव चाहते हैं? मोदी जी हर फील्ड में तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच जो नेता लोग हैं वही लोग सक्सेस नहीं होने देते हैं। तो मोदी जी से क्या उम्मीदें हैं, फिर से एक बार आए वही कामकाज को आगे करें या फिर बदलाव चाहिए? नहीं, मोदी जी। मोदी जी, हाँ। मोदी जी का कोई ऐसा काम जो बहुत प्रभावित करता है? हाँ, मोदी जी इतना कुछ न कुछ बदलाव लाते रहते हैं। बहुत लोगों की सुविधा, राशन का सुविधा, पानी का सुविधा, घर बनाने, आवास योजना, आश्रम योगी योजना, पेंशन योजना, बहुत सा लागू किए हैं मोदी जी ने। और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं धनबाद के लोगों का मिजाज क्या है। धनबाद में प्रधानमंत्री आए, उनकी बातों से कितना भरोसा हुआ? क्या लग रहा है, एक बार फिर मोदी ही आएंगे वापस या फिर बदलाव होने वाला? मोदी तो आएंगे, लेकिन धनबाद के लिए बहुत कुछ कमी है। जैसे अपने यहाँ हवाई अड्डा नहीं है, दूसरा अपना ओवरब्रिज रास्ता के लिए, रोड के लिए बहुत दिक्कत है। रोड अगर बढ़िया से बन जाए और ब्रिज बन जाए इस तरह से तो बहुत अच्छा सुविधा होगा। तो ये सब चीज़ें धनबाद में कमी है, फिर से एक बार क्या मोदी जी ही चाहिए या बदलाव चाहिए? बदलाव के लिए नहीं बोलेंगे, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी जी आ जा कर और अच्छा काम करें तो और अच्छा। मोदी जी कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं, उनके गारंटी पर कितना भरोसा? गारंटी तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन उनका गारंटी पर भरोसा करना तो अब क्या बोलेंगे, सब कोई जान ही रहे हैं। क्या कहेंगे, मोदी जी कल आए थे, उनकी बातों को सुने थे? सुना नहीं था, लेकिन बहुत को जानता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। मोदी जी जो कहते हैं, जो हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं? करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते, अपोजिट करते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लगा कि अपोजिट किया है? इसलिए कि आज की जो देश की समस्या है वो सबसे बड़ी है, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ये दो चीज सुधार सकते थे तो मोदी जी हजारों वर्ष रह सकते थे, और ये दोनों में फेलियर है। करप्शन तो रहेगा ही, करप्शन कोई मिटा नहीं सकता है, चाहे वो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो खिलाफ क्या करेंगे? वो क्या भ्रष्टाचार? अपने लोगों को घुसाए, दूसरे पार्टी से लाए, उसको क्लियर कर दे वासी की मजबूत डालकर, बाकी को आप ऐठ रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, डिप्लोमेटिक है। बिल्कुल, और भी जो लोग हैं उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। ये धनबाद बैंक मोर है, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में लोग हैं, और इस तरह से जो यहाँ लिट्टी बेचते हैं, क्या नाम है भैया? राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र जी गए थे सुनने के लिए कल मोदी जी को? हम तो नहीं गए थे। तो कुछ पता चला जो मोदी जी आए थे? हाँ, पता तो चला। क्या सब बोले हैं? कुछ नहीं पता चला। अरे वही 11 बजे टाइम दिए हुए थे मोदी जी आने का। हाँ, तो उसी के लगभग में आप पहुँच गया ना। तो मोदी जी आए, 35,000 करोड़ का यहाँ सौगात दिए हैं, तो लग रहा है कि क्षेत्र का विकास होगा? जरूर होगा। एक बार अब लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो फिर से मोदी जी को ही लाएंगे या फिर किसी और को, विकल्प ढूंढ रहे हैं? ना ना, कोई ढूंढ नहीं रहे। मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा देश के लिए विकास कर रहे हैं, तो मोदी जी ही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, मतलब काम करने वाला कोई नहीं है? और है, बहुत है, लेकिन मोदी जी जैसा काम तो अभी तक कोई नहीं किया है। राहुल गांधी भी आए थे न्याय यात्रा में आपके शहर में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मोदी पर ही भरोसा है बस। ये देखिए लस्सी बेचने वाले भी हैं, क्या नाम है भैया? हमारा नाम राजकुमार सोनकर है। अच्छा राजकुमार जी, ये बताइएगा कितना लस्सी बेच लेते हैं भर दिन? हम उतना बेच लेते हैं कि जिससे मेरा जीवन यापन अच्छा से कट सकता है।
मतलब लस्सी बेच करके भी भरण पोषण चल सकता है? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये जो बेरोजगारी की बात आती है, अपना रोजगार करके भी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है? देखिए, करने वाला इंसान अपना रोजगार करके बेरोजगारी को दूर कर सकता है, और सरकारी कार्यकर्ता भी कहता है कि हमको अगर 90,000 रुपया तनख्वाह भी मिलता तो बोलता है मेरा पेट नहीं भरता, और हम 400 रुपया कमा के मेरा पेट भर जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम उससे अच्छा है, मतलब अधिक कमाने वाले भी कहते हैं कि मेरा पेट नहीं भरता, लेकिन हम 400 रुपया कमाने वाला अगर मेरा पेट भर जाता तो हम उससे तो अच्छा है। आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, क्या इस बार लहर क्या लिख रहा है? मेरा लहर में यही है कि इस बार भी मोदी ही रहे। इसलिए मोदी का काम हमको पसंद पड़ा, मोदी जी का काम हमको पसंद पड़ा, और हम चाहते हैं कि मोदी हमेशा रहे, ऐसा ही नेता रहे जो लूट घसोट सब खत्म करवा दे। बेरोजगारी है तो बेरोजगारी का कारण है कि जो पहले से लूट घसोट किया है लोग, उसी का आज भुगतना भोगना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में फिर से एक बार मोदी जी आएंगे? एकदम बिल्कुल आएंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ जो धनबाद आने के बाद, कल मोदी जी को सुने थे? हाँ सर, मोदी जी को कल सुने थे भाषण? जी जी। क्या सब सुनाई दिया? अच्छा सुने सर, अच्छा सुने। कितना भरोसा है उनको? 99% रखिए सर, 99% भरोसा है। मोदी जो कहते हैं वो कर तो देते हैं। तो इस बार क्या मोदी जी ही आएंगे या फिर कोई बदलाव? नहीं, मोदी जी ही आना चाहिए। मोदी जी, जी क्यों आना चाहिए? मोदी जी के देख रहे हैं, ठीक है, ठीक कर रहा है जो बोल दूसरा रहा है, पार्टी भी तो कहता है कि हम आएंगे तो करते नहीं है ना, करते नहीं है ना, करते नहीं करते नहीं भी आए थे आपके क्षेत्र? अरे आए थे लेकिन किया नहीं ना, करते नहीं है ना, बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन मोदी बोलते हैं तो करते हैं, गारंटी जी। कुछ उनके बातों पर कितना भरोसा? बहुत भरोसा है, मोदी जी तो कर ही रहे ना बहुत अच्छा से। कौन सा ऐसा काम है जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया मोदी जी? एक तो वहाँ कारखाना जो चालू हो गया उसका, और ये जो नीचे सबको दे रहे हैं सब अनाज पानी, ये सब सब इससे गरीबों को फायदा मिल रहा है, को फायदा हो रहा है ना मोदी जी से। लोग ये कहते हैं कि मुफ्त में राशन खिलाने का आदत लगा रहे हैं विपक्षी जो है, तो अच्छा ही है ना भाई, गरीब लोगों को मिल रहा है तो राशन पानी तो अच्छा ही है ना उसके लिए। हम लोग इस बार अब चुनाव आने वाला है तो क्या मोदी जी ही होंगे या फिर कोई और पसंद है? मोदी जी को बुलाना पड़ेगा, मोदी जी आए वो हम लोग जानते हैं जरूर जरूर। तो ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं धनबाद के बैंक मोड़ से, जहां हमने जानने और समझने की कोशिश की है कि आखिर धनबाद के लोगों पर मोदी जी के आने का कितना असर हुआ, उनकी बातों पर कितना भरोसा है, और आने वाले दिनों में वो किन विषयों को देख कर वोट करेंगे, ये जानने और समझने की कोशिश हमने धनबाद में किया है। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रामपुर।